स्कूल की भर्ती फीसें व एनुअल चार्ज को लेकर निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावक सेवा मंच ने आज एक दिवसीय सांकेतिक अनशन किया, जिसमें अभिभावक एकत्रित हुए। किसी ने एक दिन का मौन धारण किया तो किसी ने अनशन। अभिभावक मंच लगातार सरकार से मांग करता रहा कि निजी स्कूल फीस व एनुअल चार्ज बढ़ाने में लगे हुए हैं। निजी स्कूल अपनी मनमानी पर उतरे हुए हैं। उन्होंने सरकार से साफ साफ अपील की है कि इस ओर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए। आज अभिभावक सेवा मंच द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक अनशन रखा गया, जिसमें फॉर्म 6 में घोषित से ज्यादा फीस न ली जाए। CBSE के नियमानुसार विद्यार्थियों के माता पिता को बताना चाहिए कि फॉर्म 6 में पूरी जानकारी है और फॉर्म 6 स्कूल के मुख्य द्वार पर चस्पा होना चाहिए। सरकार NCERT का नाम जप रही है और स्कूल संचालक प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें बेच रहे हैं, जिन्हें अभिभावक खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वर्दी भी चहेते दुकानदारों के पास से ही मिल रही है। वार्षिक शुल्क भी नए नए तरीके से लिए जा रहे हैं। कहीं बिल्डिंग फंड, कहीं फर्नीचर शुल्क के नाम पर खुली लूट की जा रही है। अभिभावक सेवा मंच ने कहा है कि आज वह सिर्फ यमुनानगर में अनशन पर बैठे हैं। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में हरियाणा में बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री से अपील की कि निजी स्कूलों द्वारा हो रहे अत्याचार को रोका जाए, अन्यथा आने वाले समय में अभिभावक सेवा मंच हरियाणा में आंदोलन शुरू करेगा। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, क्या मामला है आज जो यहाँ पे आप लोग इकट्ठे हुए हो? जी मैं सुमन वाल्मीकि आज अभिभावक सेवा मंच से जो महिला प्रभारी हूँ और अपने संदीप गांधी जी हैं, ये अपने सचिव हैं यहाँ के। तो आज हमने अभिभावक मंच के माध्यम से ये जो निजी स्कूलों की मनमानी जो लगातार बढ़ती जा रही है, इसके विरोध में और साथ में अभिभावकों का जो ये शोषण कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए आज हम एक सांकेतिक अनशन पर बैठे हुए हैं। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक हम जो ये चाहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी से जो फीसों को बढ़ा देते हैं या ये जो स्कूल के जो चार्जेज हैं अनलिमिटेड कर रहे हैं, ये एक ही जगह से पुस्तकों को खरीदना, एक ही जगह से यूनिफॉर्म का लेना, ये मनमानी है। एक तरह से इन्होंने जो है शिक्षा को व्यापार बना दिया है। जहाँ एक शिक्षा का मंच कहलाया जाता था, स्कूल जो थे निजी स्कूल थे या सरकारी स्कूल थे, आज यही निजी स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल है, इन्होंने शिक्षा को व्यापार बना दिया है, जो आज ये हमारी चिंता का विषय बना। जबकि आप लोग देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो हमारे यमुनानगर में ही रह रहे हैं, उनके सामने ये मनमानियाँ चल रही हैं। आज जो ये अनशन पर हम बैठे हैं सिर्फ यमुनानगर में बैठे हैं, कल को ये हरियाणा में भी आंदोलन का रूप धारण करते देरी नहीं लगाएगा। इसलिए इस सोई हुई सरकार को नींद से जगाने के लिए आज हम लोग एक सांकेतिक अनशन पर बैठे हैं। हम इस सरकार को आज इस अनशन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं और साथ में शिक्षा मंत्री जी को कि या तो इन मनमानी जो करते हुए प्राइवेट स्कूल हैं इनकी मनमानी को रोकें, नहीं तो हम आने वाले समय में एक भारी से भारी संख्या में अभिभावकों के साथ आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। आज केवल हम कुछ अभिभावक यहाँ पर बैठे हैं, कुछ यहाँ पर समाज सेवी बैठे हैं, कल को यही मुद्दा हरियाणा का बनेगा, जो एक सरकार का, इस सरकार का कमजोरी का भी एक मुद्दा बनने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हम 70 सालों में इस शिक्षा पर ही आप ध्यान नहीं दे पाए, जिस शिक्षा को हमने एक व्यापार बना कर रख दिया, कितनी शर्म की बात है। तो मामले के बारे में संबंधित विभाग को आपने कोई जानकारी इस बारे में, कोई शिकायत वगैरह? इस बारे में लगातार जो है शिक्षा मंत्री को जानकारी दी, हमने आंदोलन किए, हमने उनको जो ज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि सरकार ने भी एक बार को तो निजी स्कूलों को ये कहा था कि 5% तक आप फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन निजी स्कूलों ने नहीं मानी, क्योंकि ये तो एसोसिएशन बनाकर बैठ चुके हैं। व्यापार का एक पूरा इन्होंने व्यापार कर दिया है शिक्षा के ऊपर। आज ये 25% 30% अननेसेसरी फीस बढ़ा रहे हैं। आज आप देख सकते हैं हमारे संदीप गांधी जी भी यहाँ पर मौन व्रत धारण किए हुए हैं। इन्होंने अपने मौन व्रत क्यों रखा है मैं बता दूँ इनके विचार। ये सरकार आरोपी स्कूलों पर कार्यवाही नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आज 4 मार्च को मंडल आयुक्त ने दोषी माना था, आज 50 दिन होने वाले हैं, तीनों स्कूलों पर कार्रवाई नहीं हुई है। मुकुंदलाल SD जगाधरी विवेकानंद हुड्डा पर आरोप लगे थे। मेरी 7 साल